हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है कुछ पदों पर। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में सारे उसके डिटेल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये जनरल के लिए कुछ पोस्ट निकाली गई है। तो हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से पोस्ट हैं और कहाँ कहाँ किस में किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और SAMT जो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा, और मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक जनरल, ये सारे पोस्ट हैं। और इधर देख सकते हैं आप सब्सिडी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB, ये सारे सिटीज़ हैं, अगरतला, अहमदाबाद, एजावी, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल और भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ये सारे सिटी हैं जहाँ से वैकेंसी हैं। इसमें SAMT सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट, MTS और जनरल, ये सारे पोस्ट हैं। इसमें UR कैटेगरी में देखा जाए तो ये चार पोस्ट हैं SAMT के लिए, और OBC में जीरो हैं, SC में एक पोस्ट है और ST में एक, इसमें टोटल छः पोस्ट हैं। और अहमदाबाद में देखा जाए SAMT MTS सारे ये 9 पोस्ट हैं और MTS जनरल के लिए 14 पोस्ट हैं। इसी तरह जितने भी सिटीज हैं अलग अलग वैकेंसी दी गई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके पोस्ट के बारे में और इसके सैलरी के बारे में। तो इसमें देखा गया है कि पे स्केल जो है, इसमें जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो पे स्केल है वो Level 3 का है। इसमें ये Group C की पोस्ट है, नॉन गजेटेड, और इसमें जो सैलरी दिया जाएगा आपको 21,700 और से लेकर 69,100 तक आपका पे मैट्रिक्स बनेगा। इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस भी होगा गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें दिया गया है। और MTS जनरल, इसका जो बेसिक सैलरी पे होगा वो Level 1 के आधार पर होगा, 18,000 से लेकर 56,900 तक होगा, इन द पे मैट्रिक्स प्लस असेंबलर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस भी इसमें दिया जाएगा। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंस, कैश कंपेंसेशन इन लियो टू ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू सेलिंग इन 30 दिन के अंदर ये सारे पेमेंट कर दिए जाते हैं, और 20% एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखा जाए इसमें SAMTS सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसमें मैट्रिकुलेशन 10th पास, इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एडुकेशन, 10th पास होनी चाहिए। इसमें जो और एसेंसरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट का। और उसके बाद ये SAMT के लिए है सिर्फ, इसमें पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, LMB इश्यू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। और इसमें सेकेंड जो है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल्स, थोड़ा सा नॉलेज मोटर मैकेनिक्स के लिए जरूरी है। और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर अपडेटिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो पोजिशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इश्यू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, लाइसेंस बहुत जरूरी है। इसका जो एज लिमिट की हम बात करते हैं, इसमें एज लिमिट का नॉस एक्सेडिंग 27 ईयर्स एज ए क्लोज डेटिंग SA और MTS, इसका जो क्लोज डेट है उसके पहले तक 27 साल होनी चाहिए, अधिकतम 27 साल। और इसमें MTS के लिए देखा जाए तो 18 से 25 ईयर ऑन द क्लोजिंग डेट, ये जो लास्ट डेट है उसके पहले 18 साल मिनिमम और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। ये और इसमें दिया गया एज इलेक्शन के बारे में, तो 5 ईयर्स एज इलेक्शन जो है SC ST के बारे में है, और 3 ईयर्स के लिए है OBC कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट इलेक्शन जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं उसके लिए 40 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। और नीचे हम बात करते हैं और ये एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इसमें स्किन ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसमें Tier 1 Tier 2 लिया जाएगा। Tier 1 में SAMTS में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन पूछेंगे जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव अप टू 20
और न्यूमेरिकल जो होगा 20 और इंग्लिश लैंग्वेज 20, टोटल मिला करके 100 नंबर के मार्क्स रहेंगे और एक घंटे का टाइम रहेगा। और टीयर टू में देखा जाए एसए और एमटीएस के लिए, इसमें मोटर मैकेनिज्म ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें 50 मार्क्स के रहेंगे। और टीयर टू एमटीएस जनरल के लिए देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन बेसिक ऑफ लैंग्वेज वोकैबुलरी करेक्ट ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर साइनोनिम्स सिंटोनिम्स इट्स करेक्ट यूजेज, ये सारे सेक्शन से पूछे जाएंगे। ये जो टीयर टू होगा ये एस एम टी एस के लिए, मोटर मैकेनिज्म के लिए, और ये जो टीयर टू है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो एम टी एस और जनरल के लिए। हम नीचे बात करते हैं इसके बारे में, ये अप्लाई, ये जो अप्लाई होगा इस वेबसाइट पर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं ncs.government.in, यहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म फ़ी होगा वो एग्जामिनेशन फ़ी जो लिया जाएगा वो 50 रुपये लिया जाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो लिया जाएगा वो 450 रुपये लिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा। और मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस दार, ये दोनों लिया जाएगा। तो इसका जो ऑनलाइन करने का जो डेट दिया गया है वो 14/10/2023 से लेकर के 11/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन होगा, ये लास्ट डेट 13/11/2023 तक। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें जो भी फ़ी लगेंगे वो इसमें मेंशन कर दिया गया है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट, जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।